इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी और इनको पहले फील्डिंग करनी चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए। इसमें रीजन यह है कि टारगेट जो होता है ना, एक टीम जीत देती है तो प्रेशराइज होता है, तो वो चेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दोनों टीम अच्छी टीम है, इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा। हम जो है ना बहुत एक्साइटेड हैं, हमेशा की तरह जैसे हमारा जो है पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो काफ़ी अच्छा बड़ा मुकाबला होता है। और मेरे ख्याल से तो यही है, पाकिस्तान की टीम बैलेंस है, बॉलिंग भी बैलेंस है और बैटिंग भी बैलेंस है, ऑलराउंडर वगैरह ठीक है। तो अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो मेरे ख्याल से पहले बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि विकेट जो है ना थोड़ी बॉलिंग है। कल भी जो वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ उसमें भी देखा जा सकता है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। मेरे ख्याल से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे पास फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, शाहीन शाफरीदी हो गया, हारिस रऊफ हो गया, हसन अली हो गया। तो मेरे ख्याल से अगर हम पहले 6 ओवर में इंडिया के विराट कोहली या रोहित शर्मा इन 2-3 प्लेयर्स को पकड़ लेंगे तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह 70% जीत हमारी अपनी है पड़ी। शाहीन शाफरीदी और इंशाल्लाह और साथ शादाब खान इंशाल्लाह अच्छी बॉलिंग करेंगे। अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए, 180+170 रन करें तो जो है ना फिर डिफेंड कर लेंगे। शाहीन शाफरीदी फॉर्म में है, साथ हारिस रऊफ भी है। बैटिंग अगर फास्ट आती है पाकिस्तान की तो पाकिस्तान को तकरीबन 180-190 करना चाहिए, जो इजीली इंशाल्लाह डिफेंड कर लेंगे। रिजवान फॉर्म में है, बाबर आजम फॉर्म में है, शोएब मलिक है, हफीज़ है, इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है, वाबस्ता है इनसे हमारी, अच्छा परफॉर्म करेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा। अगर पाकिस्तान पहले फास्ट बैटिंग करता है तो मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान को 180 स्कोर करना चाहिए, क्योंकि जो है अरब कंट्रीज़ की जो पिचेज हैं वो आजकल जो है स्लो चल रही हैं, अदरवाइज पहले बैटिंग ट्रैक होता था, आजकल वो बॉलिंग ट्रैक है, स्लो हैं। तो पाकिस्तान को 180 के करीब, क्योंकि इंडियन बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, तो हम 180 को इंशाल्लाह उसके अंदर डिफेंड करेंगे। बॉलिंग लाइन के अंदर हमारे पास हसन अली बेहतरीन ऑप्शन है, उसके बाद जो है शाहीन अफरीदी बेहतरीन ऑप्शन है। हमारे पास बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, बाबर है, रिजवान है, मलिक है, हफीज़ है, और नीचे देखें हैदर को खिलाते हैं या आसिफ को खिलाते हैं। हमारी बैटिंग लाइन 7 नंबर तक जाती है, उसके बाद हसन अली आ जाएगा, वो भी हमारी बैटिंग लाइन का मजबूत सतून है इंशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह जो है इंडिया को, अगर हमने पहले बॉलिंग की तो हम इंडिया को 140-145 के उसके अंदर पकड़ेंगे, अदरवाइज जो है अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमें 180 स्कोर कर। मैच है काफ़ी क्रूशल है और ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये वन साइडेड होगा। इसमें मेरा जो ओपिनियन अपना ये है कि लास्ट टाइम तक ना इसमें दोनों टीम फाइट करेंगी और बहुत अच्छा मैच होगा। हमें इससे गर्ज नहीं है कि मैच कौन जीते, इंडिया जीते, पाकिस्तान जीते, नहीं, गेम अच्छी होनी चाहिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इस दफ़ा मैच जीत जाएगा। क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो चुकी है इस टाइम की और पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं वो सारे माशाल्लाह फॉर्म के अंदर हैं। और दूसरा ये हमारा इंडिया के साथ एक ऐसा मैच होता है ना, ऐसा टाकरा होता है जिसमें ऑलरेडी बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, मुझे लगता है वह अपना 100% देगी। वैसे तो जो है ना हमारे यहाँ बॉलिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा रही है हमेशा से, बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं, बैटिंग नहीं नहीं हमारी बैटिंग और बॉलिंग दोनों इक्वल है और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा और गेम अच्छी मिलेगी। आमिर की तो याद आएगी क्योंकि आमिर को इस वर्ल्ड कप में नहीं चांस दिया गया, आमिर की जगह कोई नहीं ले सकता। इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। ये T20 प्रीवियस हिस्ट्री हमेशा नहीं देखती, ये ऐसी क्रिकेट है इसमें सिर्फ दो बॉल अच्छी पड़ जाएं बॉलर से तो चेंज हो जाता है, मैच ही चेंज हो जाता है। पाकिस्तान को ना अगर वो टॉस जीत के बैटिंग की दावत देते हैं तो पाकिस्तान को कर लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का दुबई के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। पाकिस्तान ने वैसे यूएई में ना 26 मैचेस खेले हैं और उसमें से जो 25 मैचेस हैं वो दुबई के अंदर खेले हुए हैं, यूएई के पूरे के अंदर, और इंडिया आज तक एक मैच भी यूएई में नहीं खेला। अगर पाकिस्तान 140+ भी कर लेते हैं ना तो इंशाल्लाह ही विल विन द मैच। 180+ इज अ गुड स्कोर ऑन द दुबई पिच। आज तक इंडिया से वर्ल्ड कप में मैच तो नहीं जीते, हमारे पास 5+ पॉइंट है। पहले पे ये होता कि हमारे पास इंस्टेंसिव एक्सपीरियंस है यूए में खेलने का, दूसरे पे ये है कि आज का रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप ओपनिंग बहुत अच्छी जा रही है, 50+ रन मारते हैं और 9-10 का एवरेज देते हैं। तीसरे पे ये है कि धोनी है नहीं, कोहली इज द अंडर प्रेशर, चौथा ये फैक्टर, और पांचवा कुछ लक भी तो होता है ना बंदे का, मेहनत करो इंशाल्लाह वी विल द मैच। एक्चुअली ऐसा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन नो डाउट कि बहुत अच्छी है, मगर इस हवाले से हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते कि इंडिया की बॉलिंग लाइन भी काफ़ी मजबूत है इस वक्त चलने के लिहाज से। तो एक्चुअली T20 की ऐसी गेम है जो प्लेयर ऑफ द डे होता है तो वो डेफिनेटली विन कर जाता है, बट एज़ फार एज़ कंसर्न तो बैटिंग लाइन आई वुड सजेस्ट कि इंडिया की ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान से, बट बॉलिंग लाइन में पाकिस्तान इंडिया को मात दे सकता है।
पहले अगर खेलता है और ज़्यादा स्कोर कर जाता है तो पाकिस्तान की टीम पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग लाइन हमारी जो है वो प्रेशर में आ जाती है, इतना ज़्यादा हम लोग चेज़ नहीं कर पाते, चेज़ के मामले में हम थोड़ा कम है इंडिया के लिहाज से। लेकिन अगर एक्चुअली अगर ऐसा है कि हम 180 प्लस पहले खेलते हुए स्कोर कर जाते हैं तो मेरे ख्याल में दिस इज़ गोना बी द बेस्ट स्कोर। पाकिस्तान को चाहिए कि पहले बैटिंग कर लें, अगर टॉस जीतते हैं तो उस लिहाज से हमारे चांसेस और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। ऐसा साथ जो एज अ पैट्रियाटिक पाकिस्तानी तो यही ऐसा साथ हैं कि पाकिस्तान को ही विन करना चाहिए, बट ऑन द ग्लोब अगर हम देखते हैं तो दोनों ही अच्छी टीमें हैं और जिसका दिन होगा वो जीतेगा, लेकिन हमारा दिल तो कहता है कि पाकिस्तान ही जीते, इंशाल्लाह वी विल विन।